स्टूडेंट्स, तो आज जो है क्विज टू, उसकी डिस्कशन जो है वो हमने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की डिस्कशन को। सबसे पहले केमिस्ट्री की डिस्कशन में पहला सवाल है मेरा बेटा, इन इलेक्ट्रो केमिकल सेल द साल्ट ब्रिज इज यूज्ड, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ अ साल्ट ब्रिज? इंक्रीज सेल पोटेंशियल, नहीं, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। सो द सोल पर्पज ऑफ यूजिंग साल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? बेटा दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और बेटा एक आपके पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी को पता है क्या फर्क होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में? एनीवन? नहीं पता होगा किसी को। चलो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मेरा बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो अमाउंट ऑफ सल्यूट के ऊपर जो है, या अमाउंट ऑफ मैटर जो है सैंपल के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करें। ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ मैटर इन आ सैंपल, ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करें सैंपल के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके पास अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर जो है वो डिपेंड ना करें, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सैंपल। फॉर एग्जाम्पल जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में बेटा आप टेम्परेचर ले लें। टेम्परेचर जो है, चाहे आपके पास एक गिलास वाटर है, इसमें एक ड्रॉप है, या आपके पास काफी सारा वाटर के मालिक्यूल्स है, सबका टेम्परेचर जो है वो आपके पास एक जैसा होता है। तो टेम्परेचर जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करे, टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी जो है, देखो बेटा इसमें वाटर है, वाटर की डेंसिटी चाहे आप यहाँ से एक ड्रॉप लें या पूरा वाटर का मालिक्यूल, यहाँ से पूरा वाटर जो है ये लें, सब डेंसिटी तो इसकी एक जैसी होगी ना आपके पास। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करें वो इंटेंसिव होती हैं, और जो करें वो एक्सटेंसिव होती है। तो इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जबकि वॉल्यूम जो है आपके पास वो कौन सी प्रॉपर्टी है मेरा बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय, अगर आपने डेल्टा एच मेजर करना है तो क्लियरली लिखा हुआ है, दो तरह की टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, या तो आप ग्लास क्लोरीमीटर यूज कर सकते हैं या बॉम क्लोरीमीटर यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है क्लोरीमीटरी, मैनोमीटरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी। बेटा राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या होगा? क्लोरीमीटरी। बॉम क्लोरीमीटर और ग्लास क्लोरीमीटर की मदद से जो है आप एंथैल्पी चेंज जो है वो मैयर कर सकते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ही है। इन गलवानिंग सेल द एनोड इज एन इलेक्ट्रोड वेयर, बेटा एनोड के ऊपर चाहे गलवानिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कोई भी सेल हो, एनोड के ऊपर हमेशा आपके पास क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और मेरा बेटा कैथोड के ऊपर क्या होगी हमेशा? कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होगी? रिडक्शन होगी, चाहे सेल गलवानिक है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो एनोड के ऊपर क्या होगी हमेशा? ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड के ऊपर क्या होगी? रिडक्शन। एट का राइट ऑप्शन क्या हो गया मेरा बेटा? ए। एनोड के ऊपर पूछा था, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंपल वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कौन सा जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? एसिटिक एसिड मेरा बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो जो जल्दी से डिसोसिएट हो जाए सोल्यूशन के अंदर। अमोनियम को हाइड्रोक्साइड वीक है, ग्लूकोज जो है डिसोसिएट ही नहीं होगा आपके पास, सोडियम क्लोराइड जो है आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नमक जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फौरन से जो है डिसोसिएट हो जाता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा बेटा, गिवन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके पास दिए हुए हैं, कॉपर टू जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लेके मेरा बेटा कन्वर्ट हो रहा है कॉपर के अंदर, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल उन्होंने दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? +0.34 वोल्ट। अच्छा, जिंक जो है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कहाँ पे जा रहा है? जिंक के अंदर जा रहा है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? -0.76 वोल्ट। अब बेटा रिडक्शन पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, जिंक आपके पास ऊपर होता है, कॉपर आपके पास नीचे होता है, तो जो ऊपर होता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिंपल वे में, वो उसकी क्या होती है? हमेशा ऑक्सीडेशन होती है।
ऑक्सीडेशन होती है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। अब देखो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी तो रिडक्शन ही होनी है ना, ठीक लिखा हुआ है। लेकिन जो जिंक है आपके पास, इसकी होनी है ऑक्सीडेशन बेटा, ये आप रिडक्शन कर रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो। अगर आपने इसको रिडक्शन करनी है तो रिडक्शन कैसे करोगे? जिंक, सॉरी, अगर आप इसकी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है तो कैसे करोगे? जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जिंक जिंक प्लस टू, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एज ए रिजल्ट आपके पास होगा क्या, ये जो पोटेंशियल है आपके पास माइनस में था, ये किसमें हो जाएगा? क्योंकि आपने इक्वेशन को जो है, इस वाली इक्वेशन को उलट कर दिया है, तो ये वाला जो पोटेंशियल है आपके पास किसमें उलट हो जाएगा? प्लस में, +7.6 वोल्ट। मेरा बेटा, अब आपने जो है पोटेंशियल जो है वो मैयर करना है, तो सिंपली आप क्या करो, दोनों को जमा कर दो। जमा जब आप करोगे आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास जो आंसर आएगा 76 है, 0.1.10 जो है वो आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? भी फाइनल इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, कॉपर कॉपर में जा रहा है और जिंक जो है जिंक प्लस में जा रहा है। मीन कॉपर की जो है आपके पास रिडक्शन हो रही है और जिंक की क्या हो रही है आपके पास ऑक्सीडेशन। तो सिंपली आपने जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बेस के ऊपर ये चेक करना है कि किसने जो है ऑक्सीडाइज होना है और किसने रिड्यूस होना है, उसी के मुताबिक जो है आपने इनके पोटेंशियल को जो है इन्वर्स करना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया मेरा बेटा? बी हो गया, 1.10। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द नन्नेस्ट इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट, नन्नेस्ट इक्वेशन जो है किस चीज के कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल होती है? नहीं। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए? नहीं। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के लिए? नहीं। एक्चुअल सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जो है आप नन्नेस्ट इक्वेशन जो है वो यूज करते हैं। इसकी इक्वेशन जो है बेटा आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है FPSC के हवाले से, PPSC के हवाले से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, FPSC के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। एक दफा आई हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल? प्राइमरी सेल बेटा वो होता है जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं बार बार। ड्राई सेल प्राइमरी सेल है, मरकरी सेल प्राइमरी सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल प्राइमरी सेल है, लेड एसिड सेल जो है बेटा ये आपके पास सेकेंडरी सेल है। ऐसा सेल जिसको आप रिचार्ज ना कर सकें वो क्या कहलाता है आपके पास? सेकेंडरी सेल कहलाता है। तो लेड एसिड सेल या लेड एसिड बैटरी बैटरी जो है आपके पास सेकेंडरी सेल की एग्जाम्पल में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज 2.87 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल जो है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है मेरा बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इसका मतलब क्या होगा? फ्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कैन नॉट बी रिड्यूस, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में सबसे ज्यादा हो उस स्पेशियम में क्या होती है? ऑक्सीडाइज होती है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें, सबसे नीचे फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस है किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर? प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर। इंटरनल एनर्जी मेरा बेटा ऑलवेज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। आपके टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। बेटा राइट ऑप्शन जो है आपके पास सी है। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, बेटा आइसोकोरिक, आइसो का मतलब होता है सेम, कोरिक का मतलब है वॉल्यूम, मीन चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या है? जीरो है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो है चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन अगर आपने निकालना है पी डेल्टा वी, तो वर्क डन डेल्टा वी आपके पास जीरो है, तो वर्क क्या हो जाएगा आपके पास मेरा बेटा? वर्क भी आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ए। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव इमिशन? ऑल रेडियो एक्टिव इमिशन जो है कौन से स्टेटमेंट उनके बारे में जो ठीक है? दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं बेटा, तमाम जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिफ्लेक्ट नहीं करती। गैमा रेज जो है उनके पास कोई चार्ज ही नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करती। दे आयोनाइज गैसेज, दे आर कंप्लीटली अब्सॉर्ब बाय थिन एल्यूमिनियम शीट, दे इमिट लाइट? नन। दे आयोनाइज गैसेज, जितनी भी रेडियो एक्टिव इमिशन हैं वो क्या करती है? वो आयोनाइज कर देती है गैसेस को। राइट ऑप्शन जो है मेरा बेटा वो भी है आपके पास। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज मेनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में अल्फा यूज होती है, बीटा, गैमा, एक्सरेज। तो मेरा बेटा गैमा रेज जो है वो आपके पास यूज होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है, गैमा रेज। इन एन SN2 रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन? SN2 रिएक्शन में बेटा रेट जो है आपके पास वो किस पे डिपेंड करता है? रेट फॉर SN2 रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू बोथ, किस पे डिपेंड करता है? बोथ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट, और किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफाइल।
दोनों के ऊपर जो है डिपेंड करता है, क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है आपके पास, एसेंट टू ए के स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सब्सट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, सही हो जाएगा। एसएन वन में जो है रेट सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि टू स्टेप प्रोसेस है और फर्स्ट स्टेप स्लो है। विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड इन एसएन टू रिएक्शन? एसएन टू में मेरा बेटा क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट ही बनती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो पोलर प्रोटिक आप यूज नहीं करेंगे, नॉन पोलर भी यूज नहीं करेंगे, एक्वस भी यूज नहीं करेंगे, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो आप यूज करते हैं एसएन टू रिएक्शन के अंदर, और एसएन वन के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो आप यूज करते हैं एसएन वन के अंदर। बेटा पोलर प्रोटिक और ए प्रोटिक क्या है, इसके हवाले से जो है चैनल पे डिटेल वीडियोस जो है वो मौजूद होंगे, उनको देख लेना, वहां पे मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर एसएन वन रिएक्शन एंड व्हाई पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर एसएन टू रिएक्शन। जिप्सम इज एडिड इन सीमेंट सो डैट सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैन बी फास्टेंड, सीमेंट स्ट्रेंथ कैन बी इम्प्रूव्ड, सीमेंट स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैन बी स्लो। इसलिए जो है आप जिप्सम ऐड करते हैं ताकि सीमेंट की जो सेटिंग है वो हार्ड जो होती है वो कम से आहिस्ता आहिस्ता हो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, बी हो जाएगा आपके पास। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडरी अल्कोहल बेटा कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, ये आपके पास जो है क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, माइल्ड। माइल्ड लेट्स सपोज आप पीसीसी ले लेते हैं, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन डीसीएम की मौजूदगी में। बेटा क्या होगा आपके पास ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन के तारीफ ऐसे भी करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप क्या करो, एक ही हाइड्रोजन को उठाओ यहाँ से और एक ही हाइड्रोजन को उठाओ, इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करो, पीछे जो बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो, आर एज इट इज, सी एज इट इज, आर एज इट इज, सिंगल बॉन्ड ओ एज इट इज। अब ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे करने बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये जो स्पीशी बन रही है आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं मेरा बेटा कीटोन। तो जब भी आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे, चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो जैसा कि पीसीसी है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, KMnO4 यूज करो या पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज करो, K2CR2O7, प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगी। राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, बी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल? मीथेन मेरा बेटा CH4 होता है, मेथनल, मेथनल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेथनल आपके पास एल्डिहाइड है, वन कार्बन एल्डिहाइड है, दिस वन एसीटोन का बेटा ये कीटोन है आपके पास, एथनल जो है मेरा बेटा आपके पास दो कार्बन वाला एल्डिहाइड है। अच्छा ये तो लेस रिएक्टिव है, इसको तो निकाल दो। एल्डिहाइड और कीटोन में से मेरा बेटा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन के मुकाबले में, क्यों एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जल्दी से बता देता हूँ, जरा गौर से देखना। एक तो रीजन जो है स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो इधर भी सेम है इधर भी सेम है, फर्क आ रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे अल्काइल है, हाइड्रोजन स्मॉल ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो यहाँ पे इजी है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम फेस करना पड़ेगी, यहाँ पे आर ग्रुप जो है वेरी करेगा, इसलिए यहाँ पे इसको अटैक करने के लिए, इस लेप्टोफिलिक सेंटर पर अटैक करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन, ये वाली कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डोनेट करेगा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को डिक्रीज करेगा। तो दो रीजन है, एल्डिहाइड वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोफिलिक सो दैट न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस कार्बन, तो इसका मतलब एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। अब एल्डिहाइड में बेटा सुन दो केसेस दिए हुए हैं, ये भी एल्डिहाइड है ये भी एल्डिहाइड है, अब दोनों एल्डिहाइड में से आप गौर से देख ले कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये मेथनल है और ये आपके पास क्या है मेरा बेटा एथेनॉल है। मेथेनॉल में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ पे मिथाइल है, मेरा बेटा मेथेनॉल ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू एथेनॉल। राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? बेटा दो टाइप्स में जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को आपने क्लासिफाई किया है, कौन से दो टाइप्स हैं, बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या है, टू। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? इसमें कौन सा हाइड्रोजन जो है किस कंपाउंड में जो है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, हेक्सेन 2,4-डायोन, स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे एक्सोन का मेरा बेटा, 1 2 3 4 5 6, सिक्स कार्बन लगा दो,
कार्बन नंबर टू के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है और कार्बन नंबर फोर के ऊपर, 1 2 3 4 हेक्सेन, 2 3 डायोन, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सेन 2 3 डायोन है, हेक्सेन 2 5, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बोनिल टू पे है, 1 2 3 4 5, एक फाइव पे है, 1 2 3 4 5 6, थ्री हेक्सो। अच्छा मेरा बेटा, हमने पढ़ा होगा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है, अल्फा कार्बन कौन सी होती है नेक्स्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फा कहलाती है, यहाँ ये कार्बन भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, यहाँ पे ये अल्फा है और ये अल्फा है, यहाँ पे ये अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा कार्बन के साथ मेरा बेटा जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो मेरा बेटा यहाँ पे देखो, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है ये मोस्ट एसिडिक है, क्यों एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंडक्टिवली विदड्रॉ कर रहे हैं, जिसके नतीजे में इन हाइड्रोजन्स को जो है वो क्या कर रहे हैं, डीशेल्डेड कर रहे हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, एसिडिक कर रहे हैं। फर्स्ट केस में जो है, चूंकि दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे मेरा बेटा एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप है, सॉरी यहाँ पे भी एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप है, इन अल्फा हाइड्रोजन पे भी एक तरफ कार्बोनिल ग्रुप है, ओनली इन केस ऑफ ए हेक्सेन 2 4 डायोन, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो इसको क्या कर रहा है, ज्यादा एसिडिक कर रहा है, राइट ऑप्शन बेटा बेटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन अच्छा सवाल था। अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, कार्बन कार्बन बॉन्ड मेरा बेटा कहने जा रहा हूँ मैं नहीं होता है, एल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको याद हो, जिसमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हो, उसमें आप क्या बनाते हो, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, क्लेमेंस में भी नहीं होती, डाउस में भी नहीं होती, राइट ऑप्शन जो है मेरा बेटा एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन देखो, कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, रिएक्शन मैंने लिख रहा, टाइम शोल्ड है, अंडर वुल्फ किशनर रिडक्शन कंडीशन द कन्वर्जन ऑफ विच मे बी ब्रॉट अबाउट आर, वुल्फ किशनर रिडक्शन में मेरे बेटा आप करते क्या है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, आप क्या करो उसका हाइड्राजीन के साथ चेक कराओ, हाइड्राजीन N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, होगा कि आपके पास क्लेमेंस रिडक्शन में ये जो कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास मेरे बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेशक। तो जब भी आपको कार्बोनिल ग्रुप को CH2 ग्रुप के अंदर मिथाइलीन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना हो, आप क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं, क्लेमेंसन भी कर सकते हैं मेरा बेटा, वुल्फ किशनर भी कर सकते हैं, वुल्फ किशनर, ये तो वुल्फ किशनर है ना आपके पास, वुल्फ किशनर में क्या करते हैं, हाइड्राजीन और KOH, और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या यूज करते हैं आप, जिंक अमलगम HCl, ये किस में यूज करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन में मेरा बेटा, दोनों का पर्पज एक ही है, ये स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ किसी भी बुक में कि एक जो एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं और एक कीटोन के लिए यूज करते हैं, तो साइक्लोहेक्सेनोन इनटू साइक्लोहेक्सेन मेरा बेटा पहला ही ऑप्शन ठीक है आपके पास, साइक्लोहेक्सेनोन ये स्ट्रक्चर है, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन के अंदर, मीन CH2 लगाना है, कार्बोनिल की जगह पे ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करना है, तो आप क्या यूज करो, यहाँ पे वुल्फ किशनर रिडक्शन यूज कर लो, हाइड्राजीन N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, राइट ऑप्शन मेरा बेटा ये हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ सियानोहाइड्रिन फ्रॉम अ कीटोन इज द एग्जांपल ऑफ, सियानोहाइड्रिन बनाना है कीटोन से, तो आपके पास क्या है, ये आपके पास कीटोन है, इसका अगर आप रिएक्शन करें इसके साथ सोडियम साइनाइड के साथ तो आपके पास क्या होगा, वाटर भी ऐड कर दें इसके अंदर, अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दें, कुछ भी आप ऐड कर दें, ये OH, ये आपके पास CN, और ये आपके पास ये जो स्पीशी बन रही है जिसमें एक कार्बन जो है डायरेक्टली OH के साथ भी कनेक्ट है और सायनो ग्रुप के साथ भी कनेक्ट है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं मेरे बेटा सियानोहाइड्रिन, सियानोहाइड्रिन। तो फॉर्मेशन ऑफ सियानोहाइड्रिन एग्जांपल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नहीं बेटा न्यूक्लियोफाइल जो है चूंकि वो ऐड हो रहा है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है उसकी एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है इसलिए किसकी एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की एग्जाम्पल, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इज,
बेटा कार्बन एटम, ये कार्बोनिल ग्रुप है आपके पास, वो कह रहा है कि इस कार्बोनिल ग्रुप में ये वाली जो कार्बन है मेरे बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास क्या है, sp2 sp3, बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से इस चैनल पे एक ट्रिक मौजूद है, उसको अगर आप देख लेंगे तो कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन में जो है मसला नहीं आएगा, राइट ऑप्शन जो है आपके पास भी है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप वहां पे जाके देख लें, डिटेल से जो है मिल जाएगा आपको। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, मेरे बेटा कैनिजारो रिएक्शन वो कंपाउंड आपके पास देते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास एब्सेंट होगा वो कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन मेरे बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के पास देखो, फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कहाँ से होगा, अल्फा कार्बन नहीं है ना, कार्बन कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा होती है, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी एब्सेंट है, ये कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देगा। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखो मेरा बेटा, ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये वाली कार्बन अल्फा है आपके पास, इस कार्बन के साथ बेटा कोई हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं, तो इस कंपाउंड में भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ये कंपाउंड भी आपके पास कैनिजारो रिएक्शन देगा। ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आता है मेरा बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे क्या लगाया हुआ है आपने, ट्राई मिथाइल, एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, ये तीसरा मिथाइल, ट्राई मिथाइल एसीटल्डिहाइड कॉमन नेम है मेरा बेटा। इसमें देखो कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन ये अल्फा कार्बन है मेरे बेटा, इस अल्फा कार्बन के साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इस कंपाउंड में भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ये कंपाउंड भी क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसने भी कैनिजारो रिएक्शन देना है, इसने भी देना है, इसने भी देना है, इस वाले ने नहीं देना, इस वाले ने क्यों नहीं देना, जरा देखो स्ट्रक्चर इसका, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड में अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ मेरा बेटा तीन अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए, तो चूंकि इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो मेरा बेटा ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, एसीटल्डिहाइड। तो ये कौन सा रिएक्शन देगा मेरा बेटा, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, एसीटल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, एल्डोल कंडेंसेशन देता है। एल्डोल कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है वहां। नेक्स्ट वन मेरा बेटा, जल्दी से चलते हैं आगे, एल्डोल रिएक्शन इज गिवन बाय, अभी बता के गए हम, एल्डोल रिएक्शन वो कंपाउंड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं था, बेंजल्डिहाइड में नहीं था, इसमें नहीं था, एसीटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। नेक्स्ट वन, द कलर ऑफ आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म टेस्ट आपने क्या होगा मेरा बेटा, कलर क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, राइट ऑप्शन जो है आपके पास सही है। नेक्स्ट वन मेरा, एसीटल्डिहाइड आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ, एल्डिहाइड आर द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ, एल्डिहाइड किसकी ऑक्सीडेशन से बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल की, टर्शरी अल्कोहल की, मेरा बेटा हमेशा एल्डिहाइड बनता है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, माइल्ड कंडीशन में अगर आप ऑक्सीडेशन करें पीसीसी की मौजूदगी में, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या बनेगा, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से मेरा बेटा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, अभी बता गए, अभी ऊपर बताया थोड़ी देर पहले मैंने आप, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, कीटोन बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल जो है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। होता क्या है प्राइमरी अल्कोहल में बेटा, यहाँ पे बताया ना ट्रिक, इस हाइड्रोजन को निकालो, डबल बॉन्ड लगा दो, सेम केस यहाँ पे करना है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इसको निकालो, एक यहाँ से निकालो, डबल बॉन्ड लगा दो, आपके पास ये प्रोडक्ट जो है इसके फॉर्मेशन। लेक्चर्स में बताता हूँ ये ट्रिक जो है ना, लेक्चर्स में बनाता हूँ आसान आसान तरीके जिसकी मदद से जो है आप अपने प्रोडक्ट तक जो है क्विकली पहुंच जाते हैं। चलें जो, और चैनल के ऊपर जो है लेक्चर्स मौजूद है इनके जो है, डिटेल लेक्चर पीपीएससी में देखना, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी। जो द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मेरा बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन क्या है, कि कंपाउंड के पास जो है अल्फा मिथाइल जो है उसका होना जरूरी है, मीन्स कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ जो है CH3 का होना जरूरी है, अगर किसी कंपाउंड में CH3 होगा वो कंपाउंड क्या देगा आपके पास, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसके पास नहीं होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एसीटोन मेरा बेटा देखो, एसीटोन यहाँ पे लिखा हुआ है, एसीटोन जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि कार्बोनिल के एक तरफ CH3 लगा हुआ है। एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड भी मेरा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड ओ एच,
कार्बोनिल के एक तरफ CH3 लगा हुआ है, ये भी आपके पास क्या देगा, एडोफॉर्म टेस्ट देगा। एथानोल, एथानोल का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरा बेटा, CH3CH2OH, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर मेरा बेटा आप आयोडीन यूज करते हैं, ये हेलोजन यूज करते हैं, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लाइक NaOH और I2 यूज करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करता क्या है, इस प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब देखो ये एथेनॉल था, किस में कन्वर्ट हो गया, एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें भी अल्फा मिथाइल जो है मौजूद है, तो इसीलिए एथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देती है। एथेनॉल भी देगी, एसीटोन भी देगा, एसीटाल्डिहाइड भी देगा, मेरा बेटा मैथानोल नहीं देती, मैथानोल CH3OH क्यों नहीं देती, हालांकि आप यहाँ पे भी जो है आयोडीन तो यूज कर रहे हो इस रिएक्शन के अंदर, क्यों नहीं देती, क्योंकि आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड में मेरे बेटा अल्फा मिथाइल है नहीं है, इसलिए जो है मैथानोल आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती। एथेनॉल भी देता है, एसीटोन भी देता है, एसीटाल्डिहाइड भी देता है, पहले तीन कंपाउंड जो है आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय, सिल्वर मिरर टेस्ट मेरा बेटा एल्डिहाइड देते हैं, एसीटोन कीटोन है, नहीं देगी, बेंजीन भी नहीं देगी, अल्कोहल भी नहीं देगी, एथेनॉल जो है आपके पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड जो है आपके पास वो क्या करते हैं, वो आपके पास सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट वन, विच वन हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, किस कंपाउंड में जो है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, प्रोपेन का, प्रोपीन का, प्रोपानोन का या प्रोपानोल का। हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, प्रोपानोन कीटोन है, प्रोपानोल जो है आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल का जो है मेरा बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपके पास ज्यादा होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिव हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट, कौन सी ऐसी फोर्सेज मौजूद होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो उसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती है, मेरा बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ डाइमर एग्जिस्ट करते हैं, इनके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, इसीलिए जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड इनके अंदर मेरा बेटा कौन सी ये फोर्सेज हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन दरमियान में ये जो कच्ची होते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ए जो है आपके पास वो ठीक है। ये द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पोटेशियम डाइक्रो पोटेशियम परमैंगनेट, कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहे हो, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लो R CH2OH, इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो पोटेशियम पर मैग्नेट जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेरा बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये इसको कहाँ पे रोकेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फौरन से कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, राइट ऑप्शन जो है आपके पास भी है। नेक्स्ट वन, व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, प्रोपीन का स्ट्रक्चर आता है मेरा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये प्रोपीन है, प्रोपीन में HBr ऐड करना है, मार्कोनिंग ऑफ रूल आता है मेरा बेटा, यहाँ पर ऑक्साइड उसने दे दिया, कोई भी पर ऑक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन जब हो तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई होता है मेरा बेटा वो एंटाई मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होता है। एंटाई मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या होगा, जिसके पास हाइड्रोजन आपके पास कम होंगे, और Br उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे ज्यादा होंगे, आसान अल्फाज में मैंने बताया है एंटाई मार्कोनिक ऑफ रूल, हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम, Br वहां पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 के ऊपर Br लग गया आगे, यहाँ पे CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड एन प्रोपाइल ब्रोमाइड जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, राइट ऑप्शन मेरा बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ से जो है मैं इस क्वेश्चन में से जो है अगर मैं परोक्साइड को रिमूव कर दूँ तो मेरा बेटा तब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनेगा, क्योंकि वहां पे जो रूल अप्लाई होगा वो मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई होगा। तो थोड़ी सी जो है छोटी छोटी मिस्टेक है जो है इनको गौर से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, अगर आप ये गलती करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका नंबर आपका कट जाएगा। विच अल्कीन हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, अल्कीन में स्टेबिलिटी नॉर्मली जो है अगर अल्कीन टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, फिर ट्राई सब्सटीट्यूटेड से ट्राई ज्यादा स्टेबल होती है, डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से डाई ज्यादा स्टेबल होती है मोनो से। अब यहाँ पे मेरे बेटा
सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन और वन ब्यूटीन। मेरा बेटा सिस और ट्रांस में जो है, चलो सिस इसको मैं ड्रा कर देता हूँ। ये है मेरा बेटा आपके पास ट्रांस टू ब्यूटीन और ये है आपके पास सिस टू ब्यूटीन। वन ब्यूटीन भी लिख लेते हैं, वन ब्यूटीन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री। मेरा बेटा वन ब्यूटीन जो है आपके पास ये मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूशन कंसीडर नहीं करते, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटीट्यूशन। ये एल्कीन क्या है आपके पास, मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। ये वाले एल्कीन क्या है, यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन, ये दो सब्सटीट्यूशन, डाई सब्सटीट्यूटेड है। ये क्या है आपके पास, एक और ये दो, ये आपके पास क्या है, डाई सब्सटीट्यूट। तो डाई सब्सटीट्यूट ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू मोनो से, तो इसको तो निकाल दो। आई मीन दोनों में कंपेरिजन है, सिस ज्यादा स्टेबल होगी या ट्रांस। मेरा बेटा ये ट्रांस एल्कीन है क्योंकि हाइड्रोजन क्या है आपके पास, अपोजिट साइड पे है, और ये आपके पास कौन सी है, ये सिस है। तो सिस और ट्रांस में से मेरे बेटा कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, याद रखना है हमेशा आपके पास ट्रांस अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों, क्योंकि मेरे बेटा देखो बल्कि ग्रुप जो है एक दूसरे से दूर दूर है, या मैं बल्कि ग्रुप नजदीक नजदीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस होंगी, रिपल्शन होगी, इस नतीजे में ये अल्कीन लेस स्टेबल हो जाएगी। तो याद रखना है हमेशा ट्रांस अल्कीन जो है दे आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस अल्कीन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन अल्कीन इज ड्यू टू काइरल कार्बन फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में सिंगल बॉन्ड तो होता नहीं है, डबल बॉन्ड होता है, फ्री रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल। बेटा जब डबल बॉन्ड होता है तो वहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है आपके पास, जब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो जो कम ग्रुप ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। इसीलिए जो है अल्कीन के अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वो शो करते हैं। राइट ऑप्शन बेटा डी है आपके पास। नेक्स्ट वन, व्हेन इथाइन इज पास थ्रू रेड हॉट ट्यूब। इथाइन को जो है आप गुजार रहे हो, इथाइन रेड हॉट ट्यूब में से, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो मेरा बेटा आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, आपके पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। एफएससी में लिखा हुआ है रेड हॉट ट्यूब के अंदर से जब भी आप इथाइन को गुजारेंगे तो बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। राइट ऑप्शन सी है आपके पास। नेक्स्ट वन बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड शो विच हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ, चैनल पे मौजूद है, सिर्फ एक दफा दो तीन चार मिनट की वो ट्रिक है, उसको देख लें तो आपको कभी भी मसला नहीं आएगा। द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन में बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये है, इसमें जितनी भी कार्बन है, जितनी भी कार्बन है सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, एसपी टू है। राइट ऑप्शन जो है आपके पास बी है। डिस्क्रिप्शन में लाजमी इसका जो है चैनल पर सर्च करना, हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में मेरा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, रिएक्टिविटी आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमाइड का, फिर फ्लोराइड, फ्लोराइड का, फिर फ्लोराइड। क्यों, साइज ज्यादा है, आयोडीन का साइज ज्यादा है, फिर ब्रोमीन का ज्यादा है, फिर आपके पास क्लोरीन और फ्लोरीन का साइज सबसे कम है। जून जो मेरा बेटा साइज बढ़ता जाएगा उतना बॉन्ड वीक होता जाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी जो है बढ़ती जाएगी। 43 का राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, अल्काइल आयोडाइड आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड। रेसिमाइजेशन टेक प्लेस, मेरा बेटा रेसिमाइजेशन एसन वन में होती है। क्यों एसन वन में होती है, क्योंकि एसन वन के अंदर मेरा बेटा आपके पास क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक टॉप साइड से भी हो सकता है, बॉटम साइड से भी हो सकता है, जिसके नतीजे में आपके पास क्या होता है, आपके पास रेसिमाइजेशन के नतीजे में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक में रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होती है, इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होती है, और दो प्रोडक्ट बनने की वजह से और दोनों जो है 50-50% बनते हैं। इसलिए जो है रेसिमाइजेशन जो है सिर्फ और सिर्फ एसन वन में होती है, एसन टू में जो है रेसिमाइजेशन नहीं होती है, एसन टू में 100% इनवर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो होती है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फेवर विच टाइप ऑफ रिएक्शन। बेटा अगर बेस की बात कर रहे हैं तो एसन वन और एसन टू को तो गोली मारो, बेस जो है आपको हमेशा क्या देती है, इलिमिनेशन देती है, और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा मेरा बेटा ई टू इलिमिनेशन देगी, लाइक मेथोक्साइड, एथोक्साइड, आपके पास ये वाली जो बेसिस हैं, या आपके पास टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये हमेशा आपके पास ई टू इलिमिनेशन देती है। इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस अल्कोक्साइड रिएक्ट विद, मेरा बेटा अल्कोक्साइड जो आप बनाते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर, ये हमेशा कंडीशन याद रखनी है, ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। कोई भी प्राइमरी आप ले लें, मैंने मिथाइल ले लिया, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास क्या बने देगा, ईथर देगा। सेकेंडरी के साथ रिएक्ट नहीं करता, टर्शरी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी के साथ ये इलिमिनेशन दे देता है, ये सब्सटीट्यूशन नहीं देता। चैनल के ऊपर इथर का टॉपिक एक मौजूद होगा, वहां पे डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को, वहां पे आप मजीद जाके देख सकते हैं।
तो विलियम स्निथर सिंथेसिस के अंदर जो अल्कोक्साइड हमेशा प्राइमरी अल्काइलाइड के साथ रिएक्ट करता है, इसको जहन में रखना है, आपने जहन में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द पोजिशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा इक्विलिब्रियम पोजिशन कौन सी चीज डिस्टर्ब नहीं करती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करती है, टेम्परेचर करता है, प्रेशर गैस करता है, कैटलिस्ट मेरा बेटा इक्विलिब्रियम पोजिशन को कुछ नहीं करता। ये तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजिशन। राइट ऑप्शन डेल्टा। फॉर अ रिएक्शन टू एस ओ टू, ओ टू प्लस टू एस ओ थ्री, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन द कंसंट्रेशन ऑफ एस ओ टू। मेरे बेटा अगर एस ओ टू कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रिएक्शन जो है डेफिनेटली आपने क्या किया, इसकी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट क्या होगा आपके पास, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में जाए। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, ये अगर आप एसओ टू को विड्रॉ करोगे फिर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। अकॉर्डिंग टू ली क्षेत्रियल प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग है। व्हेन अ कॉमन आयन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सेपरेटली सॉल्युबल साल्ट डिक्रीजेस। कौन सा इफेक्ट है मेरा बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट की तारीफ लिखी हुई है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, बी। द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर। सिल्वर क्लोराइड आयोनाइज होगा, सिल्वर देगा, क्लोरीन देगा, यहाँ पे कौन सा, एन ए सी एल के एन ओ थ्री, एन ए टू एस ओ फोर। तो आपके पास मेरे बेटा राइट ऑप्शन जो है वो एन ए सी एल है, क्योंकि एन ए सी एल जो जब आयोनाइज होगा सोडियम आयन देगा, क्लोराइड आयन देगा। तो मेरे बेटा क्लोराइड आयन जो है कॉमन आयन है, क्लोराइड क्लोराइड सिल्वर के क्लोराइड के आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा आपके पास दोबारा सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। इस नतीजे में जो है इसकी जो सोलबिलिटी है सिल्वर क्लोराइड को क्या हो जाएगी, फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। यही जो है आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन डाल के आप जो है साल की सोलबिलिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कॉमन आयन नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी कॉमन आयन नहीं है। राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या होगा मेरा बेटा, ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वर्क नहीं है, हीट नहीं है, एंथैल्पी जो है आपके पास क्या है, स्टेट फंक्शन। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये आपके पास स्टेट फंक्शन है। पी टी वी ई एच, पी टी वी ई एच से याद रख लें, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और आपके पास एंथैल्पी, क्या है आपके पास, स्टेट फंक्शन। याद रहेगा ना टोट का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेट्स दैट सेकेंड लॉ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड। बेटा ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट तो नहीं है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड टू इंक्रीज। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, सी, कि जो एंट्रोपी है, डिसऑर्डरनेस है, रेंडमनेस जो है सिस्टम की, वो क्या हो रही है दिन, यूनिवर्स की वो क्या हो रही है दिन ब दिन बढ़ रही है। ये किसकी स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इफ अ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, अगर मेरा बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, हमेशा आपके पास नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव होता है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंड स्पॉन्टेनियस फॉर ऑल टेम्परेचर, बट वट मस्ट बी ट्रू अबाउट द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। मेरे बेटा जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, तो यह तो ए होगा या सी होगा। और स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्या मतलब खुद ब खुद हो जाए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपके पास क्या होगी, आपके पास एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगी, मीन पॉजिटिव होगी। राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या होगा बेटा, ये होगा। तो एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। राइट ऑप्शन जो है बेटा, टेबल आपको दिया था, स्लाइड आपको प्रोवाइड की थी, वहां पर लिखा हुआ था, वहीं से एमसीक्यू। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टल एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से फर्स्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव, नहीं बेटा ये जो है आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेटमेंट, एनर्जी ऑफ द परफेक्टली क्रिस्टल्स एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। 54 का राइट ऑप्शन क्या हो गया बेटा आपके पास, ये केमिस्ट्री की डिस्कशन कंप्लीट हुई मेरा बेटा, आगे चलते हैं। इंग्लिश पोर्शन का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू जो है, डेट वन इज स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम्स गॉड्स एंड हीरोज इज कॉल्ड, डेट वन इज सी ऑप्शन, डेट इज लेजेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट इज कॉल्ड, वो शख्स जो कि किस्मत की दुनिया पे यकीन रखते हैं, डेट वन इज कॉल्ड फेटलिस्ट, ए ऑप्शन। वन हु कैन नॉट इजिली प्लीज्ड, वो शख्स जिसको इजीली आप खुश ना कर सको, डेट वन इज कॉल्ड फेस्टिडियस, बी ऑप्शन।
द मदर ऑफ अ ब्रदर इज कॉल्ड, डेट वन इज कॉल्ड सी ऑप्शन फ्रेटरिसाइड. अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस इज कॉल्ड पेनासिया. देन आपके पास है सिनोनिम्स, सिनोनिम ऑफ परज्यूरी इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फॉल्सहुड. आपको ये गलत बात करो, झूठ बात करो, मिथ क्रिएट करो, डेट वन इज कॉल्ड परज्यूरी. फ्रेंकनेस आपको पता है दोस्ताना और रवैये को हम कहते हैं. देन पेन्यूरी हम कहते हैं बहुत ज्यादा पॉवर्टी एंड गुर्बत को. देन आपके पास है मीनिंग ऑफ और सिनोनिम ऑफ बेफलमेंट. बेफलमेंट हम कहते हैं किसी चीज में आप उलझ जाते हो, डेट वन इज कंफ्यूजन, ए ऑप्शन. देन हमारे पास है सिनोनिम ऑफ रिटेलिएट. रिटेलिएट हम कहते हैं किसी चीज के फौरन से आप उसको रिएक्ट करते हो, डेट वन इज बी ऑप्शन. देन है हमारे पास एंटोनिम ऑफ कॉन्स्पिशियस. कॉन्स्पिशियस हम कहते हैं किसी चीज के क्लियर होने को, और इसमें हमारे पास डिलीजेंट, केयरफुल, अनब्रोकन, इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है. सो डी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन. एंटोनिम ऑफ कॉन्ग्रीगेट. कॉन्ग्रीगेट हम कहते हैं इकट्ठा होने को, असेंबल होने को, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो उसका ऑपोजिट बनेगा, डेट वन इज डिसइंटीग्रेट, इंतशार हो जाना, फैल जाना. देन हमारे पास है एंटोनिम ऑफ कैंडिड. कैंडिड हम कहते हैं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट बंदे को, ट्रू बंदे को, सो इसका एंटोनिम हमारे पास बनेगा डिसऑनेस्ट, डेट इज ए ऑप्शन. देन आपके पास एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है. आई ईट मैंगोस, इसका हमने कन्वर्ट करा था, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और उसको थर्ड फॉर्म के साथ ले जाएंगे. एज हमारे पास ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इसको इज एम आर के साथ कंटिन्यू रखेंगे. सो मैंगोज आर ईटन बाय मी, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बनता है, मैंगोज आर ईटन बाय मी. द नेक्स्ट एमसीक्यू है, शी सेड टू द प्रिंसेस मे यू लिव लॉन्ग. तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका हमारे पास बनेगा ये ऑप्शन है, शी प्रेड फॉर द प्रिंसेस डेट शी माइट लिव लॉन्ग. बिकॉज हमारे पास पास्ट टेंस है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर देना है. जो हमारे पास प्रेजेंट चीजें होंगी मे, हम उसको माइट में कन्वर्ट कर देंगे और इनडायरेक्ट फॉर्म में ले आएंगे. सो ए ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल डी के सेकंड में गलती है कि आप उसने मे ही रखा है, थर्ड में कोई चीज यूज ही नहीं की, फोर्थ में भी उसने मे रखा है. सो ए ऑप्शन इज द राइट वन, शी प्रेड फॉर द प्रिंसेस दैट शी माइट लिव लॉन्ग. देन नेक्स्ट आपके पास है, ही सेड आई एम स्टडिंग नाउ. इसको आपने इंडायरेक्ट में करना है, ही सेड डैट पास्ट है तो हमने चेंज करना है, प्रेजेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और नाउ कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं जिनको हमें चेंज करना होता है, लाइक टुमारो को हम करते हैं द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, नाउ को हम कन्वर्ट करते हैं देन में. सो इसका आपके पास आएगा, ही सेड डैट ही वॉज स्टडिंग देन. सो सी ऑप्शन आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट है. देन आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम कहते हैं ऐसे कंजंक्शन को जो दो वर्ड्स, दो क्लॉज, दो फ्रेज को आपस में जोड़ दे. सो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है फॉर है, बी ऑप्शन. ही गॉट एन ए ऑल दो ही वॉज इल. सो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बनेगा. यू शुड गेट यूर लाइसेंस रीन्यूड एट वंस डैश पे अ फाइन और पे अ फाइन. क्या आप जल्दी से अपना रिकरवा लो, वरना आपको फाइन देना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन इज द राइट वन. कोल्ड डैश इट वॉज वी वेंट आउट. कोल्ड दो इट वॉज वी वेंट आउट. ए ऑप्शन इज द राइट वन. आई हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज. ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस. ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास जस्ट एक क्लॉज हो, अपने मीनिंग वो फुल रखता हो, आपको कोई डिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत ना हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस. रेप्टाइल इज टू लिजर्ड एज फ्लावर इज टू पेटल स्टेम एलिगेटर डेजी. सो डी ऑप्शन इज द राइट वन, एज फ्लावर इज टू डेजी. देन आपने इनके दरमियान रिलेशनशिप देखना होता है, जो इनके दरमियान रिलेशन होगा वही आपने आंसर में ढूंढना है.
होस्ट और पैरासाइट का रिलेशन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे एग बर्ड मेडोसॉइल मीडियम बैक्टीरियम लार प्रीडेटर, तो आपके पास जो होस्ट पैरासाइट में रिलेशनशिप है, इसी तरह हमारे पास क्या है कि पैरासाइट को अपने आपको ग्रो करवाने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, इसी तरह बैक्टीरियम को अपने आपको ग्रो करवाने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, तो सी ऑप्शन वही रिलेशन रखेगा जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है।